चलो उम्मा चलो, घूमने जा रही हो? सब ध्यान रखना अपना। हाँ हाँ घूमने जा रही हो? हाँ घूमने जा रही हूँ। काशी विश्वनाथ? यस। तो मम्मी जा रही है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ ओहो ओहो अहो भाग्य हमारे, फोग आ गया भाई फोग। अभी 9 बज रहे हैं और इस चीज़ के लिए यार तरस रहा था मैं तो लिटरली। यहाँ पे देखो मॉइस्चर है सीढ़ियों पे और ये देखते ही ना मेरा मतलब दिन सा बन गया। ओहो वाओ भाई वाओ, आज लग रहा है ना देख के कि सर्दी पड़ रही है। देखो क्या यार, मतलब कितने टाइम से ना ऐसे ही हो गया था कि तरस से रहते सर्दी के लिए, लेकिन फोग देख के थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला। और अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी तो दिल्ली में भी भाई अच्छा खासा फोग पड़ा है आज। और भाई अपन तो छुट्टी बना रहे हैं, अब ऐसे में कहीं की ट्रिप लगाई जाए ना लगाई जाए आप लोग मुझे कमेंट करना है ना, कहीं पहाड़ों वहाड़ों पर। फिलहाल 31 तारीख तक तो ये सीन है कि भाई सब बिल्कुल पैक है बुरी तरीके से न्यू ईयर वगैरह की वजह से, लेकिन हाँ उसके बाद ट्राई कर सकते हैं। चारों तरफ के नज़ारों ने आज मेरा दिल खुश कर दिया, देख रहे हो आप विजिबिलिटी काफ़ी कम है। अच्छा लगता है ना यार जब फोग पड़ता है। मैं तो बिल्कुल छत के टॉप पे आ गया और मैंने सोचा यार इस फोग को रिकॉर्ड करा जाए, कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ भाई फोग पड़ा था। पहले तो यार ये टाइम हुआ करता था, बहुत अच्छी ठंड पड़ा करती थी। इस बार तो यार दिसंबर भी एंड हो गया और फॉग यार अब जाके पड़ा है। मुझे ठंड बहुत पसंद है और किसी को गर्मियाँ बहुत पसंद होती हैं, किसी को न्यूट्रल अच्छा लगता है, लेकिन भाई हर चीज़ का एक मज़ा आएगा टाइम से ना होना तो फिर ये लगता है कि कुछ तो कमी चल रही है। और देखो कमी यार नेचर में चल भी रही थी। चलो नीचे चलते हैं। देखो मैं यहाँ पर आपको एक करतब करके दिखाऊँ, ये बिल्कुल ये वाली सीढ़ी है और सपोर्ट जो है इसको छोड़ दूंगा मैं अभी और बिना इसके उतरूंगा, थोड़ा सा रिस्क है मतलब आदत है। लेकिन चलो हाथ छोड़ दिए देख लो सबूत के तौर पे, अब चलो चलते हैं। मोए 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 ले भाई ले भाई ले भाई ले भाई ले भाई, उतर गए भाई उतर गए बिना सपोर्ट के। चलो यार दिन शुरू करते हैं आज का। आप लोग बताओ आप कैसे हो, मौज में ज़िंदगी चल रही है या नहीं चल रही है? और उम्मीद करता हूँ चल रही होगी भाई। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम वेलकम वेलकम। सर्दियाँ निकलते ही सर्दी वाले आ गए हैं, कहाँ हो इतने दिन से गायब? भाई यही है। अच्छा तो अरे केरल केरल गया था तू? हाँ भाई राम भैया। अच्छा जी आने वाली 2 तारीख का बेटा कुर्सी डाल दी। तो जा रहा है नहीं जा रहा? नहीं जा रहा क्यों भाई, ऐसे काम क्यों कर रहा है यार तू? हैं हमारी भाभी क्या कहेंगी? भाभी कुछ नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है। भाभी कह रही है हमें किनारा नहीं देखना, तट का बर्फ देखनी है। तो भाई आज सचिन बाबू के साथ सर्दी का मजा लेते हुए यूनिवर्सिटी आज कितने दिन बाद आए हैं। और सचिन बाबू तुम कितने दिन बाद आए हो यूनिवर्सिटी? तो दाढ़ी दाढ़ी दिखाई दे रही है क्या? सही शॉट आ रहा है। तो दिनों बाद आए, हम तो महीनों बाद आए भाई। मैं भी महीनों बाद ही आया हूँ यार, यहाँ की यार पुरानी पुरानी यादें मज़ा ही आ जाता है। पर मैं रेगुलर नहीं रहा यार सचिन यहाँ पे, मैं तो बिल्कुल नहीं रहा रेगुलर। अब रेगुलर आना है भाई, ये यूनिवर्सिटी मेरे व्लॉग्स में आपने बहुत देखी होगी और बहुत से तो पढ़े भी होंगे यहाँ CCS से। सचिन बाबू की फेवरेट सचिन यहाँ तेरा भाई, कैमरे में एंगल बड़ा मस्त आ रहा था, दाढ़ी और तेरे काले काली टॉपी दिख रही है बस। ओए होए लड़का तेल बचाता हुआ स्कूटी इलेक्ट्रिक स्कूटी पे। भाई तेल नहीं बचा रहा तो मैं बचा रहा हूँ एनवायरनमेंट को। हाँ एनवायरनमेंट को बचा रहा है। ओ भाई क्या सही लग रहा है तो देखने में। चलो चल मितवा देख मैं दिख रहा हूँ क्या? ओहो भाई बहुत टाइम हो गए यहाँ गेट लगे हुए और अब तो हम लोग अंदर भी नहीं जान देते। यहाँ पे अंदर शायद छोटे वाले ट्रैक पे गाड़ियाँ तो इस समय भी काफ़ी खड़ी हैं यहाँ पे, लोग घूमने वाले भाई जो घूमने वाले हैं वो रेगुलर हैं ही। हाँ और एक हम लोग हैं, मतलब हम नहीं मैं, ये तो लड़का डेली जिम जाता है।
तपोवन भाई यहाँ पे ठंडक है हल्की सी। हाँ वैसे ठंडी है ही। अरे वाह यार आओ देख के आते हैं मोरों को भाई। तोते मोर क्या मस्त लग रहे हैं। अरे वाह अरे भग गए यार मत भागो प्लीज प्लीज मत भागो भाई मैं दूर पास नहीं आ रहा। एक दो तीन चार पाँच वाओ क्या ब्यूटी है भाई। तो देखते ही भग गए मुझे उड़ गए। तो चलो यार खाओ भाई तुम एंजॉय करो। फोबिया है कैमरे से। कैमरे का फोबिया जैसे तुझे भाई मुझे तो पता नहीं क्या होगा फोबिया यार। स्मार्ट लग रहा है तू। स्मार्ट तो बचपन से ही है। चल चल एक आध चक्कर लगाते हैं फिर बातें बातें करते हैं। सचिन यार ये बता लोग दुनिया मतलब ये पूछती है क्या क्या खाएं फिट रहने के लिए तो ऐसा क्या हो मतलब क्या क्या ना खाऊं ऐसा कुछ बता यार जो ये चीज़ छोड़ दो और थोड़ा थोड़ा फिटनेस को करते रहो और ठीक हो जाओ। खाना जो भी खाना है बस इतना खाना है जितना शरीर को जरूरत हो। अरे यार वो तो ठीक है पर खाने में हर कोई कहता है ना घर का खाओ तो मैं तो घर का ही खा रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ होंगी ना कि जैसे लोग चावल कह देते हैं कुछ लोग कहते हैं चावल खा लो चावल तो इस तरह की कोई चीज़ जो नहीं खानी। ओवर कुछ भी चीज़ होगी हाँ वो दिक्कत करेगी। चाहे अगर रोटी है अगर मेरा एक रोटी में काम चल सकता है अगर मैं चार रोटी खा रहा हूँ एक ही जगह तो वो भी क्या होगा वो भी दिक्कत होगी। ऐसे चावल का सीन है चावल लिमिटेड क्वांटिटी में खाओ थोड़े से कोई दिक्कत नहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं कोई दिक्कत नुकसान करेगी। पूरे दिन में मतलब बेसिकली कितनी रोटी खानी चाहिए चलिए बता या इसका भी कोई वो नहीं है मापदंड। मापदंड क्या है जैसा हमारी बॉडी है ना बॉडी की नीड के हिसाब से नीड पर डिपेंड करता है। अगर मान लो किसी का बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क है तो उसे खबाई खानी पड़ेगी उस चीज़ के लिए एनर्जी गेन करने के लिए। अब हमारा फिजिकल वर्क कम है तो हमारा कम भी काम चल जाएगा। और यहाँ तक कि अगर मान लो मैं एक रोटी खा रहा हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तेरे ये है कि एनर्जी जो नीड है वो रोटी से तो खास मुझे लगता नहीं एनर्जी मिलती है। अगर तू है तू इतनी एक्सरसाइज करता है लेकिन तू बताता है कि तू खाता भी ठीक ही है तो ऐसी कोई चीज़ है जो तू अवॉइड करता ही करता है कोई कितना ही कहता है खाएगा ही नहीं मैदा। अच्छा वो नुकसान है। हाँ नुकसान है और नुकसान नहीं है तो फायदा भी नहीं है उसका कुछ कुछ है नहीं उसके अंदर जो उसका न्यूट्रिशन लेवल है मेरे हिसाब से उसमें कुछ नहीं है। और ठीक है दूसरा जो रिफाइंड ऑयल है वो बिल्कुल हमारे घर में यूज ही नहीं होता वो तो हमारे भी नहीं होता। लेंसकार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बन गया मैं। खूब सारे बनवा लिए मैंने यहाँ पे लगा लगा कोई बढ़िया लगा मस्त लग रहा है एकदम लाइट में। लाइट आएगी भाई। हाँ ये देख भाई गजब का लग रहा है जच रहा है तेरे पे ये मस्त लग रहा है उतार इसे उसके ऊपर ऊपर का उतार देख जादू। तो भाई मैंने सही कहा ना मैं लेंसकार्ट का ब्रांड एम्बेसडर। अब वो क्यों क्योंकि आपने देख लिया भाई मैं अपने लिए भी ले चुका मम्मी के लिए भी ले चुका और को भी दिलवा चुका और आज सचिन को भी लेके चला गया मैं। और आज यार बड़े दिन बाद यूनिवर्सिटी गया तो बहुत अच्छा लगा। और अब देख लो आप एक बज रहा है दोपहर का अब नहाया हूँ मैं। कभी कभी होता है यार मजे लेने चाहिए। और सुबह का तो मौसम इतना प्यारा था बिल्कुल बिंदास ठंडा भी है लेकिन सुबह जो फोग देखा ना ओए होए दिल बागबान हो गया। अब बस मुझे मम्मी को स्कूल छोड़ने जाना है। आप कहोगे स्कूल अरे विंटर वैकेशन पड़ रही है स्कूल क्यों। मम्मी घूमने जा रही हैं। अगर आपको वीडियोज़ देखने तो उनके चैनल पर देख लेना आप उनका एस्ट्रोमा 006 के नाम से चैनल है तो वहाँ पे आपको उनकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी काशी वाली और बाकी जो वो अपनी वीडियोस डालती हैं वो तो मिल ही जाएंगी उनकी स्पिरिचुअल वाली तो मतलब वास्तु और ये सब वाली तो वही देख लेना आप लोग। चलो मम्मी को छोड़ के आते हैं फिर। चलो मम्मा चलो घूमने जा रही हो। हाँ हाँ घूमने जा रही हो। काशी विश्वनाथ yes. चलो जी चलो चलो क्या बात है आज गाड़ी मम्मी चलाएंगी काशी विश्वनाथ तक। मोनी ध्यान रख बेटा है। बैठो रे बैठो मम्मा घूमने जा रही हैं। मैं मम्मी को ड्रॉप करने जा रही हूँ। मम्मी जा रही हैं काशी विश्वनाथ और मम्मी की ट्रिप होगी मम्मी के स्कूल के फ्रेंड्स के साथ है मम्मी फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जा रही हो स्पिरिचुअल ट्रिप पे। तो मम्मी जा रही है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ ये मेरे पहले ज्योतिर्लिंग है।
हाँ पहला ज्योतिर्लिंग है मम्मी का, ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ तो हम गए थे एक बार बट वो हो नहीं पाया था, बट बाबा दोबारा बुलाएंगे, बाबा की इच्छा नहीं थी शायद, क्या पता यहीं से हमारे ज्योतिर्लिंग की स्टार्टिंग हो और बस यहाँ पे भी बाबा के दर्शन जरा अच्छे से हो जाएं। मम्मी का बुलावा आ गया, सारे रास्ते खुलते ही जा रहे हैं पर देखो दर्शन के बाद क्या होता है। मम्मी टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, ध्यान रखो। चलो जी मम्मी को भी फाइनली बैठा दिया है बस में, यहाँ से मम्मी दिल्ली जाएंगी और वहाँ से उनकी ट्रेन है, तो अपना ये है कि सबके साथ हैं तो अपना आराम से 2-3 दिन का ट्रिप अपना एंजॉय करके आएंगी। बेसिकली काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए गई हैं वो, तो वहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग भी है और जब बाबा का बुलावा है सभी के लिए तो अच्छी बात है, बाकी अपन का जब आएगा तो हम सब एक बार दोबारा जाएंगे। तो चलो यार मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहे होंगे, एंड पसंद आ रही हो तो आप एक काम करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है जो आपका मन करे, और शेयर कर देना है और सब्सक्राइब। चलिए बाय बाय, टेक केयर।